एक राज्य को नहीं चला सकता है वो व्यक्ति देश कैसे चलाएगा। आप भी पत्रकार बंधु इस बात को समझ सकते हैं। और जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर जो उनके द्वारा अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया जा रहा है, ये पूरा दर्शाता है कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को भाजपा नेता ने पकड़ कर लाया गांधी मैदान, बताया कि नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति बिगड़ गया है, इसलिए भाजपा नेता ने पकड़ करके गांधी मैदान में इलाज करने लाया। और यहां बताते चले कि नीतीश कुमार का किसी ने पिता बना तो किसी ने भाई और किसी ने पड़ोसी, और यह कह करके उन्होंने डॉक्टर बने भाजपा नेता कृष्णा कुमार। और जिस प्रकार से जैसा कि देख सकते हैं आला लगा करके चेक किया, ताला और सिकड़ के साथ झगड़े हुए हैं और यह सख्त निर्देश दिए हैं कि नीतीश कुमार का इलाज अब बिहार में नहीं बल्कि रांची में होगा और इसे आगे के डॉक्टर मेंटल स्पेशलिस्ट के पास भेजना होगा ताकि नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति ठीक हो सके। और वहीं परिजनों ने कहा कि आपकी बात सर्वमान्य है, और नीतीश कुमार वहीं छाती पकड़ के हिलाते रहे अपने हाथों को, और जिस प्रकार से देख सकते हैं किस प्रकार से उन्हें ताला और सिकड़ के साथ जकड़े हुए हैं। और आगे उन्होंने क्या कहा, जब मैंने पूछा कि नीतीश कुमार पीएम का कैंडिडेट हैं, विपक्ष वाले सभी इंडी गठबंधन वाले पीएम उन्हें बनाना चाहते हैं, तो क्या इन्होंने कहा कि यह जब सीएम बनकर के कुछ नहीं कर पाया तो पीएम बनकर क्या करेंगे। जैसा कि आप सब सुन सकते हैं इन्होंने आगे क्या कहा अपने बयान में, तो देखते रहें। धन्यवाद। मेंटल हॉस्पिटल उसमें इनको एडमिट करवाना है, कि जिस तरीके से ये सदन से लेकर के चारों तरफ जो अपना कर रहे हैं, महिलाओं के प्रति अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में आप जिस प्रकार से नीतीश कुमार को पकड़ करके इलाज का कर रहे हैं, आप कौन हैं, पहले अपना परिचय बताइए। देखिए, बिहार की एक नागरिक के हैसियत से हमने एक प्रारूप तैयार किया है, उसको आप जो कह लीजिए, नाटक कह लीजिए या एक कार्टून कह लीजिए या जो भी है, एक लोगों को समझाने के लिए कि बिहार के जो मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार हैं वो पूरी तरीके से विक्षुब्ध हो गए हैं और उनकी स्थिति जो है बहुत ही दयनीय हो गई है। समय रहते इनको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, डॉक्टर्स के टीम से हम लोग बात कर रहे हैं, जांच में यह पाया गया है ये पूरी तरीके से जो है ये मेंटल हो गए हैं, इसलिए आज हम लोगों ने इनको सिकड़ से बांध कर रखा है ताकि ये कहीं इधर उधर भाग ना जाए। कहाँ मिल गए आपको? बस राह में चलते हुए मिल गए थे। अच्छा, इस बयान पर नीतीश जी माफी भी मांगे हैं, तो क्या कीजिएगा, माफ आप लोग नहीं? देखिए, कुछ ऐसा बयान होता है जिसको माफ नहीं किया जाता सकता है। अब मुंह से निकली हुई बोली बंदूक से निकली हुई गोली, आप इसको ठीक नहीं कर सकते हैं, और लगातार इस तरीके का हरकत हो रहा है। और नीतीश कुमार बोलते हैं, जान रहे हैं ना आप लोग, समझिएगा मीडिया साथी, तो नीतीश कुमार ने पूरे बिहार की जो नाक है कटवाने का, देश ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में उन्होंने किया, तो निश्चित तौर पर आज एक हम लोगों ने प्रारूप तैयार किया है कि नीतीश कुमार इससे भी सीख ले। नीतीश कुमार पीएम बनने का सब इंडिया गठबंधन वाले बोल रहे थे, क्या लगता है कि आप अपनी छवि पर कहीं ना कहीं? जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रह के एक राज्य को नहीं चला सकता है वो व्यक्ति देश कैसे चलाएगा। आप भी पत्रकार बंधु इस बात को समझ सकते हैं। और जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर जो उनके द्वारा अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया जा रहा है, ये पूरा दर्शाता है कि नीतीश कुमार पूरी तरीके से मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। और समय रहते इनको एडमिट करवाना बहुत जरूरी है, नहीं तो बिहार के लिए खतरा का विषय है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि सेक्स एजुकेशन जो है चर्चा होनी चाहिए, और मूल रूप से उनका कहना था महिला सशक्तिकरण की बातें करना था, फिर भी आप लोग इस तरह से करना। तेजस्वी प्रसाद यादव का जन्मदिन है, उनको जन्मदिन की ढेर सारी बधाई, कोई कटाच नहीं, चूंकि वो कितना जानते हैं और कितना नहीं जानते हैं ये बिहार की जनता ने पूरे सदन में देख लिया। भाई, जब मुख्यमंत्री का जो बयान आ रहा है मर्यादित,
आप बगल में बैठ के हंस रहे हैं, आपको तो समझाना चाहिए था। तो इंडी गठबंधन के पूरे लोग नीतीश कुमार के साथ ही पागल हो गए हैं।